हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीखो सीए स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एसए 220 क्वालिटी कंट्रोल इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्वालिटी कंट्रोल होता क्या है? जैसे हमारी एक ऑडिट एंगेजमेंट होती है, मतलब हमारी एक ऑडिट टीम होती है, जब हम ऑडिट करने जाते हैं कंपनीज का, तो हम उसकी क्वालिटी चेक करते हैं कि जो हमने ऑडिट किया है क्या उसकी क्वालिटी सही है कि नहीं। जैसे इंट्रोडक्शन में मैं बात करता हूँ, एसए 220 बताता है, प्रिस्क्राइब करता है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर जो कि क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड है कि जो ऑडिट हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। पॉलिसी एंड प्रोसीजर तो हमारे एसक्यूसी 1 में भी बता रखे हैं, लेकिन एसए 220 क्या बताता है? ये बताता है पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो कि इंप्लीमेंट करने हैं, मॉनिटर करने हैं पार्टनर इंचार्ज को। पार्टनर इंचार्ज कौन होता है? मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, पार्टनर इंचार्ज वो पर्सन होता है, जैसे मान लो मेरी ऑडिट एंगेजमेंट टीम है, मेरी टीम में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैंने उसको पार्टनर इंचार्ज बना रखा है जो कि पूरा देखरेख रखेगा, उसकी क्वालिटी देखेगा कि ऑडिट सही से हो रही है कि नहीं हो रही है, जैसे कि क्लास का मॉनिटर होता है वैसे ही। या फिर हम कह सकते हैं कि जो टीम का लीडर है, दैट इज। तो फिर आगे है, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एसए 220 इज टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस दैट कि जो भी ऑडिट हुई है, दो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है एसए 220 के। पहला है ऑडिट कंप्लाई विथ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड स्टैचुरी रिक्वायरमेंट्स, मतलब जो भी ऑडिट हुई है वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हुई है एंड स्टैचुरी रिक्वायरमेंट्स पूरे करते हुए हुई है। एंड ऑडिट ओपिनियन इश्यूड इज एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस, जो भी हमने ऑडिट ओपिनियन अपना इशू किया है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए। टू अचीव अबव ऑब्जेक्टिव ऑफ एसए 220 देयर मस्ट बी अ क्वालिटी कंट्रोल इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ये दोनों आपको ऑब्जेक्टिव पूरे करने हैं तो एक क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए आपकी ऑडिट में। फॉलोइंग आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वो ये 7 एलिमेंट्स हैं। ये 7 एलिमेंट्स आपको इसी सीक्वेंस में लर्न करने हैं। लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिनेंस विद द क्लाइंट रिलेशनशिप, कंप्लायंस विद रेलिवेंट असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, कंप्लायंस विद द रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, मॉनिटरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो इस पूरे एलिमेंट्स में ये पूरा का पूरा एसे डिफाइंड है। और इन सारे एलिमेंट्स के अलावा इस पूरे एसे में कुछ भी नहीं पूछा गया, ये सारे एलिमेंट्स खत्म होते हैं, ये एसे भी खत्म हो जाता है। तो पहले पढ़ते हैं हम लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी कहती है कि जो एंगेजमेंट पार्टनर है, ये उसकी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ओवरऑल क्वालिटी देखेगा ऑडिट की, मतलब ऑडिट की जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करी है उसका पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट पार्टनर की है कि वो देखेगा कि ओवरऑल क्वालिटी क्या रही है। और इसमें जो हम एंगेजमेंट पार्टनर की बात कर रहे हैं, ये और कोई नहीं, पार्टनर इंचार्ज ही है। इस पूरे क्वालिटी कंट्रोल को हम अगर एक राय से देखें तो इसमें कौन क्वालिटी कंट्रोल परफॉर्म कर रहा है? एक्चुअल में क्वालिटी कंट्रोल हमारा पार्टनर इंचार्ज ही कर रहा है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके चलते हैं पूरे इस एसे के लिए। फॉर एग्जांपल, हमने एक एंगेजमेंट टीम बनाई, उसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को रखा और 3 हमने अपने हम क्या कह सकते हैं आर्टिकल्स रखे, और पार्टनर इंचार्ज कौन हो गया इसमें? चार्टर्ड अकाउंटेंट, और 3 हमारे आर्टिकल्स हो गए। हमारा सेकंड एलिमेंट है एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिनेंस विद द क्लाइंट रिलेशनशिप। ये क्या कहता है? इसमें 2 पॉइंट्स हैं। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, एंगेजमेंट पार्टनर शेल सेटिस्फाई, एंगेजमेंट पार्टनर सेटिस्फाई करेगा कि एप्रोप्रिएट प्रोसीजर लिए गए हैं कॉन्टिनेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, और वो फॉलो भी किए गए हैं। अगर कोई कंक्लूजन है तो वो भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए। इसका मतलब यही है कि जो भी हम एंगेजमेंट पार्टनर, ये देखेगा जब हम एक्सेप्ट करते हैं किसी भी ऑडिट एंगेजमेंट को, तो उसमें सारे जो स्टेप्स हैं, वो प्रोसीजर्स हैं, वो अप्रोप्रिएटली लिए गए हैं कि नहीं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना इसका सेकंड पॉइंट है। ये कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे, इफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एंगेजमेंट पार्टनर ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन दैट वुड हैव कॉज्ड द फर्म टू डिक्लाइन द एंगेजमेंट, इफ दैट इन्फॉर्मेशन had available been earlier then engagement partner shall communicate that information to the firm so engagement partner and firm may take appropriate action। कहना क्या चाहता है? ये कहना चाहता है कि audit करते करते audit engagement में audit करते करते engagement partner, मतलब partner in charge को एक ऐसी information मिली जिससे उसको लगता था कि अगर हमें ये पहले ही पता चल जाती तो हम ये audit को accept ही ना करते। तो अगर वो इन्फॉर्मेशन बाद में पता चली तो हम ये कम्युनिकेट करेंगे इन्फॉर्मेशन टू द फर्म को, मतलब हमारी फर्म को, सो दैट एंगेजमेंट पार्टनर, जो एंगेजमेंट पार्टनर है, वो एप्रोप्रिएट एक्शन ले पाए।
ये सेकंड क्वेश्चन वैसे एमसीक्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। इसी एलिमेंट में एक क्वेश्चन है, मेंशन सम इंफॉर्मेशन विच में असिस्ट द ऑडिटर इन डिटरमाइनिंग एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिनेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। इसका हिंदी मतलब है जो सोचने पे मजबूर करे कि एक्सेप्ट करना है या नहीं कॉन्टिनेंस को। कॉन्टिनेंस होती क्या है, पहले मैं ये बताता हूँ आप लोगों को। मान लो हमारी एंगेजमेंट टीम है, हम लोगों ने ऑडिट किया एक फर्म का, हमने ऑडिट किया एक साल, हमें ऑडिट करते करते हो गया, जब हम दोबारा से मतलब उसको एक्सेप्ट करते हैं तो हम काफी सारी चीजें देखते हैं कि उस फर्म में हमें पहले पहले ये गलतियां मिली थी, हम उन्होंने रेक्टिफाई कर दी कि नहीं कर दी। तो हमें उस कॉन्टिनेंस को जब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं क्लाइंट के साथ, तो उसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चेक करनी चाहिए, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो सोचने पे हमें मजबूर कर दे। तो पहले तो हम इस आंसर की शुरुआत ऐसे करेंगे, आप इसको वीडियो को पॉज करके दोनों चीजें ए और बी ये पॉइंट्स पढ़ लेना यहां तक। ये मैंने बस शुरुआत करी है कि पहले इंट्रोडक्शन दिया है ऐसे 220 की, उसके बाद ये पॉइंट्स हैं। पहला है इंटीग्रिटी ऑफ द प्रिंसिपल ओनर्स टीसीडब्ल्यूजी एंड की मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। हमें इंटीग्रिटी चेक करनी है प्रिंसिपल ओनर्स की, टीसीडब्ल्यूजी की मतलब सीईओज और डायरेक्टर्स की, एंड की मैनेजमेंट ऑफ एंटिटी की। वेदर एंगेजमेंट टीम इज कॉम्पिटेंट, हमें चेक करना है कि हमारी जो एंगेजमेंट टीम है, हमारी जो तीन आर्टिकल्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्या वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं है उस ऑडिट के लिए, क्या उनको नॉलेज है कि नहीं है टू परफॉर्म ऑडिट एंगेजमेंट, एंड नेसेसरी कैपेबिलिटीज इंक्लूडिंग टाइम एंड रिसोर्सेज, क्या उनके पास पूरा अवेलेबल टाइम है कि नहीं है, रिसोर्सेज है कि नहीं है। वेदर फर्म एंड एंगेजमेंट टीम कैन कम्प्लाई विद रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, क्या वो हमारी टीम रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट कम्प्लाई कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइज ड्यूरिंग द ऑडिट एंड देयर इम्प्लीकेशन टू कंटिन्यू द रिलेशनशिप। कोई सिग्निफिकेंट मैटर हमें मिल गया ऑडिट पे और उसकी इम्प्लीकेशन जो कि हमें आगे मदद करेगी, मतलब उस रिलेशनशिप में, मतलब हम जब ऑडिट कर रहे हैं तब सिग्निफिकेंस ऐसा कोई मैटर मिल जाता है, तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ, वो कहता है असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम। अब आते हैं हम क्वालिटी, जब हम क्वालिटी कंट्रोल चेक कर रहे हैं तो हम पहले अपना देखेंगे कि हमारी एंगेजमेंट टीम कितनी सही है। तो हम जब एंगेजमेंट टीम की बात करते हैं तो हम पहले उनकी कॉम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटी भी देखते हैं। कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है उनकी योग्यता, उनकी क्वालिफिकेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई आर्टिकल है या फिर मेरा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है टीम में, कि अगर मैं उसको टैक्स ऑडिट पे भेज रहा हूँ, उसको टैक्स ऑडिट की नॉलेज ही नहीं है, उसको तो स्टैट ऑडिट की नॉलेज है, तो वो कॉम्पिटेंट नहीं है। कैपेबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, वर्किंग एक्सपीरियंस कितना है, नॉलेज कितनी है, क्षमता कितनी है उसमें, कितना मतलब वर्कलोड उठा सकता है, कैपेबिलिटी। तो ए और बी पॉइंट कुछ नहीं है, इंट्रोडक्टिव पॉइंट्स हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जो भी एंगेजमेंट टीम है वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो करेगी, रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट फॉलो करेगी, जो भी रिपोर्ट बनाएगी वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। नीचे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है, ये पेपर में भी आ जाता है, फॉलोइंग फैक्टर शुड बी कंसिडर बाय ऑडिटर वाइल डिजाइनिंग एंगेजमेंट टीम। जब हम एंगेजमेंट टीम डिजाइन करते हैं तो क्या क्या फैक्टर होने चाहिए जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। पहला है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद द क्लाइंट, क्या हमारी एंगेजमेंट टीम में कोई ऐसा पर्सन है जिसको पहले से एक्सपीरियंस है उस क्लाइंट का। नॉलेज ऑफ रेलिवेंट इंडस्ट्री इन विच क्लाइंट ऑपरेट्स, क्या हमारी एंगेजमेंट टीम में ऐसे कोई पर्सन है जिसको नॉलेज है उस इंडस्ट्री की जहां पर हमारा क्लाइंट ऑपरेट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल अगर मैं ऑडिट कर रहा हूं तो मेरी टीम में ऐसा कोई बंदा होना चाहिए जिसको पहले फार्मास्यूटिकल का नॉलेज है। ऐसे एबीसी ऑडिट है, न्यूज़पेपर की ऑडिट है, एबीसी ऑडिट में क्या होता है, न्यूज़पेपर ऑडिट का तरीका अलग होता है, बैंक ऑडिट में कॉन्करेंट ऑडिट में तरीका अलग होता है, तो क्या उसकी नॉलेज है कि नहीं है। टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, क्या टेक्निकल कॉम्पिटेंसी मतलब नॉलेज ऑफ आईटी है कि नहीं है। टेक्निकल कॉम्पिटेंसी का क्यों इसको पे इतना रेलिवेंस है, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा आर्टिकल्स वहां पर गए हैं, उनको बोल दिया टैली पे काम करना है, मेरे आर्टिकल्स को टैली पे काम ही नहीं करना आता, तो ये तो मेरे लिए शर्मिंदगी वाली बात होगी, क्योंकि मैं एज अगर अपने आर्टिकल्स और अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को वहां भेज रहा हूं, इसका ये मतलब है कि अल्टीमेटली मैं ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं वहां पर ऑडिट को। लॉ एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल ऑन द एंटिटी, लॉ और रेगुलेशन की नॉलेज है कि नहीं जो कि एप्लीकेबल है एंटिटी पे, ये पता होने चाहिए कौन कौन से लॉ एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल है एंटिटी पे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एबिलिटी टू अप्लाई प्रोफेशनल जजमेंट्स, प्रोफेशनल जजमेंट्स की एबिलिटी होनी चाहिए अप्लाई करने की। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभार हम जब ऑडिट कर रहे होते हैं तो बड़े बड़े मुद्दे आ जाते हैं कि हमारे की हाँ इस चीज का प्रोविजन बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, तो वहां पर हमें प्रोफेशनल जजमेंट्स लेने पड़ते हैं, तो उसकी भी एबिलिटी होनी चाहिए। फोर्थ हमारा एलिमेंट है कंप्लायंस विद रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट।
फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ एलिमेंट कहता है, थ्रू आउट द ऑडिटिंग एंगेजमेंट एंगेजमेंट पार्टनर शैल रिमेन अलर्ट थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड मेकिंग इंक्वायरी फॉर एविडेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट बाय द मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम. थ्रू आउट द ऑडिट एंगेजमेंट, एंगेजमेंट पार्टनर को देखना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि कोई ऐसा ना हो कि कोई रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट हो उसकी नॉन कंप्लायंस हो गई हो बाय द एंगेजमेंट टीम. अगर 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 ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर के बाद जो बोल रहा हूं, इफ एंगेजमेंट पार्टनर को मिला ऐसा भी कोई भी मेंबर ऑफ एंगेजमेंट टीम जिसने कंप्लाई नहीं किया था रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, तो पार्टनर शैल कम्युनिकेट द मैटर टू द फर्म. पार्टनर शैल कम्युनिकेट टू द मैटर टू द फर्म, ये एमसीक्यू में आ जाता है ये पॉइंट, so that an appropriate action may be taken. ठीक है, फिर है आगे engagement performance, direction, performance and supervision. इसको आप पूरा पढ़ लीजिए, मैं पढ़ूंगा, यही है इसमें. मैं ultimately बता देता हूं क्या लिखा हुआ है, इसको learn कर लेना as it is. इसमें है direction, performance and supervision. जो हमारा एंगेजमेंट पार्टनर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डायरेक्शन का, परफॉर्मेंस का, सुपरविजन का ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट इन कंप्लायंस विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट. एंगेजमेंट पार्टनर शैल प्रोवाइड डायरेक्शन टू द मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम एंड मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम शैल परफॉर्म एज पर द डायरेक्शन ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर. एंगेजमेंट पार्टनर शैल सुपरवाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम. मतलब खोदा बाहर निकली चुहिया, इस पैराग्राफ में कुछ भी नहीं था, इसको इजिली आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो भी डायरेक्शन एंगेजमेंट पार्टनर देगा उस पे ही सारे के सारी एंगेजमेंट टीम काम करेगी, उसी के सुपरविजन के अंदर अंदर काम करेगी. आगे चलते हैं, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं. हम पढ़ रहे थे फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ एलिमेंट, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, जिसमें हमने पढ़ा था डायरेक्शन, परफॉर्मेंस एंड सुपरविजन. आगे सेकेंड पे जाते हैं पॉइंट पे, मतलब ये हमारा एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के अंदर ही आ रहा है. जो हमारा ऑडिटिंग एंगेजमेंट है वो परफॉर्मेंस दे रही है उसके अंदर अंदर ही आ रहे हैं. दूसरा है कंसल्टेंसी ऑफ डिफिकल्ट मैटर्स. इसका मतलब है कि एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फॉर कंसल्टेंसी ऑन डिफिकल्ट मैटर्स. कोई भी डिफिकल्ट मैटर्स मैटर अगर हमें ऑडिट करते हुए मिल गया, और एंगेजमेंट पार्टनर ये मतलब डिटरमाइन करेगा कंक्लूजन उस पर निकला कि नहीं निकला, और जो भी कंक्लूजन निकला वो इम्प्लीमेंट किया गया कि नहीं. उसके बाद है रिव्यू. जो हमारा एंगेजमेंट पार्टनर है वो रिव्यू करेगा वर्क ऑफ एंगेजमेंट टीम, जो और ऐसे रिव्यू करेगा कि मतलब जो भी काम किया है टीम ने वो फर्म की रिव्यू पॉलिसी एंड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग किया है. और बिफोर ऑडिट रिपोर्ट, जब हम ऑडिट रिपोर्ट साइन करते हैं या बनाते हैं, उससे पहले डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट का मतलब होता है जब हम साइनिंग डेट, यहां साइनिंग डेट की बात की गई है, उससे पहले देखा जाएगा. एंगेजमेंट पार्टनर देखेगा, रिव्यू करेगा, सारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को डिस्कस करेगा विद एंगेजमेंट टीम, और सेटिस्फाई करेगा कि एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिए गए थे जो कि सपोर्ट कर सके किसको, हमारी ऑडिट रिपोर्ट को. इसके बाद है डी पॉइंट, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर. ये कौन होता है? जो हमारी एंगेजमेंट है उसमें क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, देखिए होता क्या है. जैसे कि मान लो हम किसी बड़ी कंपनी की, लिस्टेड कंपनी की या बड़ी मतलब कंपनी की हम जब ऑडिटिंग कर रहे हैं, तो हमें लगा कि हाँ, मतलब बहुत बड़ी जब ऑडिट होती है तो हमें लगा कि हमें मतलब ऐसा ना हो कि हम जो कल रिपोर्ट दें या ऑडिट करें वो ढंग से नहीं हुई, तो हम एक एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को बुला लेते हैं जो कि रिव्यू करता है हमारे काम को क्या करता है, रिव्यू करता है. तो वो जब रिव्यू करता है तो वो सिग्निफिकेंट जजमेंट्स देखता है कि जो भी एंगेजमेंट टीम ने सिग्निफिकेंट जजमेंट्स लिए हैं कि हाँ यहां पर ये होना चाहिए, यहां पर ये होना चाहिए वो, और कंक्लूजन पे आता है. मतलब मैं इनडायरेक्टली बताता हूँ, हमारे काम को रिव्यू करता है, देखता है कि हमने जो ऑडिट हमारा पूरा ऑडिट, मतलब हमने कोई जजमेंट्स लिए हैं कि वो सही लिए हैं कि नहीं लिए हैं, तो उसे इवेल्युएट करता है. ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है. तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे डिस्कशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर ऑफ ऑडिटिंग विद द एंगेजमेंट पार्टनर. अगर जो टीम है हमारी ऑडिट एंगेजमेंट टीम, उसने कोई डिस्कस किए सिग्निफिकेंट मैटर, इंपॉर्टेंट मैटर विद द एंगेजमेंट पार्टनर, तो उसको रिव्यू करता है. रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रपोज ऑडिट रिपोर्ट. मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जो हमारी ऑडिट रिपोर्ट है उसको रिव्यू करता है. रिव्यू द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. हमारी जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, जो हमने डॉक्यूमेंटेशन बनाई है, उसको ये रिव्यू करता है. अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि
ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पे हमारा हक होता है, हम किसी को नहीं दिखाते, क्या हम रिव्यूअर को दिखाएंगे? इसका आंसर है हाँ, हम रिव्यूअर को दिखाएंगे. इवेल्युएशन ऑफ कंक्लूजन रीच्ड इन फॉर्मुलेटिंग द ऑडिट रिपोर्ट एंड कंसिडरेशन वेदर द प्रपोज्ड ऑडिट रिपोर्ट इज एप्रोप्रिएट. वो देखता है कि जो कंक्लूजन है ऑडिट रिपोर्ट का वो सही होना चाहिए और जिस मतलब ऑडिट रिपोर्ट एप्रोप्रिएट होनी चाहिए. लास्ट पॉइंट है ये एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का. एंगेजमेंट परफॉर्मेंस हम पढ़ रहे थे, उसका ये लास्ट पॉइंट है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज. इसमें क्या होता है, अगर कोई डिफरेंस हुआ ओपिनियन का बिटवीन मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम एंड मेंबर्स, एंड ये ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है पॉइंट, एंड एंगेजमेंट पार्टनर, मतलब जो पार्टनर इंचार्ज है, मान लो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और आर्टिकल्स जो तीन गए थे, आर्टिकल्स कह रहे हैं कि सर सर इस काम में ये चीज होनी चाहिए, लेकिन सर कह रहे हैं नहीं ये चीज होनी चाहिए. अगर कोई डिफरेंस आ रहा है ओपिनियन का तो क्या करेंगे, तो फर्म की पॉलिसी विल बी फॉलोड टू रिसॉल्व द मैटर. मतलब फर्म की पॉलिसी ही हम लास्ट में फॉलो करेंगे. लास्ट के हमारे जो दो पॉइंट्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं, वो है मॉनिटरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन. आप वीडियो को पॉज करके नोट्स को लिख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अदरवाइज ये पेपर के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है. मैं बता दूं कि मॉनिटरिंग क्या होती है. मॉनिटरिंग होती है जैसे कि एंगेजमेंट, इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है, जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो मॉनिटर करेगा क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉलो हुए कि नहीं हुए, कि वेदर आर ऑपरेटिंग एफिशिएंट इफेक्टिवली, जो भी क्वालिटी मतलब कंट्रोल है वो इफेक्टिवली ऑपरेट हुए हैं कि नहीं हुए. डॉक्यूमेंटेशन ये है कि जो एंगेजमेंट पार्टनर है और जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है वो मेंटेन करेंगे सफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज. ओके फाइन, बस इतना ही था. तो इसको आप रीड कर लेंगे, पूरे चैप्टर को आप अच्छे से समझ के इसको पढ़ लेंगे. आपको ये नोट्स बनाने हैं तो आप वीडियो को पॉज करके कभी भी नोट्स बना सकते हैं. आपको कभी भी कोई भी जानकारी चाहिए हो तो मैं नीचे अपना नंबर और अपना ईमेल आईडी दे दूंगा, तो आप उस पर मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं. अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है तो आप कॉल भी कर सकते हैं. बाकी मेरे साथ जुड़े रहिए. तो इसी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें. मैं सारे एसेज डाल रहा हूँ धीरे धीरे, तो मेरे साथ कनेक्टेड रहिए. तो ओके बाय, जय हिंद दोस्तों.